महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ठाकरे ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन रैली में उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल। राज ठाकरे ने वर्ली से नहीं उतारे उम्मीदवार। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस में उठी आवाज। हरियाणा के नेता नहीं चाहते सिद्धू से प्रचार कराना। कहा, बेदू के बयानों का पार्टी पर पड़ेगा असर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की मोदी सरकार को नसीहत। कहा, जातिवाद कट्टरता ने ली भाईचारे की जगह। मोदी सरकार को सुधारने चाहिए हालात। महाराष्ट्र में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर छिड़ा घमासान। नारायण राणे ने कहा था बीजेपी की दूसरी सूची में आएगा बेटे नीतीश का नाम, लेकिन नहीं आया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका। सहारनपुर इकाई के करीब 24 नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीएसपी ने बीजेपी पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने जारी की चौथी सूची। जेजेपी ने तेज बहादुर को करनाल से बनाया उम्मीदवार। सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। SC/ST एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रखा सुरक्षित। संशोधित कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी के बहाने असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, आज के गोट से गांधी के हिंदुस्तान को कर रहे हैं खत्म, देश को बचाएं। दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के 4 घंटे बचाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत। नागरिकों को निशाना बनाते हुए की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। देश की राजधानी दिल्ली में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 दहशतगर्द। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। चंद्रयान 2 के बाद अब फिर बड़े मिशन पर इसरो। अगले साल इसरो अंतरिक्ष में करेगा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने में मिलेगी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अपने खिलाफ महाभियोग जांच की आलोचना। जांच को बताया तख्तापलट की साजिश। कहा, लोगों का छीना जा रहा है अधिकार। भारत को फ्रांस में मिली बड़ी कूटनीतिक जीत। फ्रांस ने रोका पीओके के राष्ट्रपति का कार्यक्रम। फ्रांस के निचले सदन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे राष्ट्रपति मसूद खान। PMC बैंक में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा। बैंक ने खोले थे 21,000 फर्जी खाते। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है मामले की जांच। संकट में फंसे इंडिया बुल्स ग्रुप में बैंकों के 27,580 करोड़ रुपए दांव पर। यस बैंक ने दिए थे 6,040 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा SBI के 81,000 करोड़ रुपए फंसे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रोटेस्ट के बाद 3000 मीटर स्टिपल चेस के फाइनल में पहुंचे अविनाश। भारत ने पहले शामिल ना किए जाने को लेकर जताई थी आपत्ति। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। कहा, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर हासिल करना चाहती हूं उपलब्धि। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर को मिली बंपर ओपनिंग। पहले दिन कमाए 35 से 40 करोड़। फिल्म को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर मिला अच्छा रिस्पांस। और ऑस्कर में फिल्मों के नॉमिनेशन पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उठाए सवाल। कहा, जोया अख्तर की गली बॉय नहीं बल्कि दाताशकंद फाइल्स होनी चाहिए।